देखो हम लोगों ने क्या किया है, पहले ORM 1 पढ़ा है, फिर ORM 2 पढ़ा है, अब ORH पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ORM 3 पढ़ेंगे, देन ORM 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस में हम लोग बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस, फिर पढ़ेंगे हम लोग रिडक्शन, सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, हाइड्रोलिसिस। क्या होता है हाइड्रोलिसिस, देखो मैं लिख देता हूं पहले। हाइड्रोलिसिस इज अ एक सेकेंड रुक, हाइड्रोलिसिस इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, बाय रिएक्टिंग विद अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मतलब हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन में क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है वाटर से रिएक्शन करने पर, है ना। वन ऑफ द पार्ट गेट्स ओएच माइनस एंड अदर पार्ट गेट्स एच प्लस फ्रॉम वाटर, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सच रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हम बोलते हैं कि इसमें हमारा मॉलिक्यूल दो पार्ट्स में ब्रेक होता है, मॉलिक्यूल का एक पार्ट एच प्लस से अटैच हो जाता है, दूसरा पार्ट ओ एच माइनस से अटैच हो जाता है, और एक ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसको बात ध्यान रखें, हमेशा इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए ही चाहिए। दिस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम हाइड्रेशन रिएक्शन। मतलब हाइड्रेशन रिएक्शन अलग होती है और हाइड्रोलिसिस अलग होता है। हाइड्रेशन में क्या होता है, किसी को पता है? कौन सा अटैच हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर। हम बोलते हैं इन हाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल आर एडेड टू सब्सटेंस बट नो फ्रेगमेंटेशन। कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा यहाँ पर मॉलिक्यूल, मतलब एक तरह से वो डिसॉल्व हो रहा है ना। सच रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, सर सच डिजोल्व रिएक्शन एसोसिएट होता है ना, एक्सोथर्मिक उसमें पर ऐसा नहीं होगा ना, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। अब जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करा तो सॉल्ट ने अपनी आइडेंटिटी लूज थोड़ी करी, ऐसे थोड़ी कि कोई सॉल्ट से कोई नया कंपाउंड बन गया। आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहे अपनी, तो पहले वाले में पूरा नया ही कंपाउंड बन रहा है ऐसा। हाँ नया कंपाउंड बनेगा। अभी देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उससे पता चल जाएगा। जैसे हम लोग एक एक करके हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये रिएक्शन सारी याद रखें, है ना, रिएक्शन याद रखें सारी। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर के हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, जैसे मान लो मैंने एक एस्टर बनाया, अब इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा बॉन्ड मैं ब्रेक कर रहा हूँ ना। तो इसमें देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा CO वाला, OH कार्बन की तरफ जाएगा क्योंकि कार्बन पे रिलेटिवली पॉजिटिव है, और H ऑक्सीजन की तरफ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे रिलेटिवली नेगेटिव है।
तो यहाँ पर एक तो बनेगा आर सी ओ ओ एच और एक बनेगा आर डैश ओ एच, ठीक है। एसिड और अल्कोहल हमें मिल गए। सेकंड है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एसिड हैलाइड के हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, सबसे पहले तुम एसिड हैलाइड को लिख दो, उसमें क्या डालो वाटर, अगेन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर ओ एच आएगा और इधर एच आएगा, ठीक है। इधर आएगा आर सी ओ एच और इधर आएगा सी। थर्ड इज एसिड अमाइड, एसिड अमाइड है जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, इसमें तुमने वाटर डाला तो अगेन वही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, आर सी वाला सी डबल बॉन्ड ओ और जो इधर जो ग्रुप है उसका, तो इसमें क्या बनेगा आर सी ओ ओ एच और साथ में अमोनिया हमें मिलेगा, ठीक है। फोर्थ हम लोग देख रहे हैं एनहाइड्राइड का, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस, एनहाइड्राइड है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर डैश मान लो, इसमें हमने वाटर डाला तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, अगेन इधर एच और इधर ओ एच, तो हमें क्या मिलेगा आर सी ओ एच प्लस आर डैश सी ओ ओ एच, ठीक है। फिफ्थ है साइनाइड, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अब देखो साइनाइड का थोड़ा अलग है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। वैसे तो मैंने पहले भी पढ़ाया है साइनाइड का हाइड्रोलिसिस में। अब इसमें ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक करा तो ओ एच इधर और एच इधर, है ना, सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आर सी ओ एच डबल बॉन्ड एन एच, ठीक है। अब देखो अब थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा खुद से, एक और बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर ओ एच और यहाँ पर एच, अब एक ही कार्बन पर दो ओ एच आ गए तो क्या बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ और एन एच टू, ऐसा बोलो, ऐसा ही होगा। अब अगेन एक और OH आ गया तो ये अमाइड बन चुका है, तो अमाइड का तो वही हाइड्रोलिसिस होगा, अल्टीमेटली हमारे को प्रोडक्ट वही मिल जाएगा जो अमाइड वाले में मिला था, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा RCOH और NH3। सिक्स्थ है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस हम लोग कर रहे हैं तो क्या होगा आर एन सी, आर एन सी का हाइड्रोलिसिस हमें डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहली चीज तो एक चीज याद रखनी है, तीन वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं और हमें आर एन एच टू और एक हमें फॉर्मिक एसिड मिल जाता है ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक। सेवन्थ हमारे पास है ईथर का हाइड्रोलिसिस, जितने भी हाइड्रोलिसिस हम ऑर्गेनिक में पढ़ने वाले ना सब एक साथ में बता दे रहा हूँ यहाँ, आर ओ आर डैश, ठीक है। इसमें अगर हमें हाइड्रोलिसिस करना है तो एक बॉन्ड ब्रेक करा ये वाला, इधर H और इधर OH, तो क्या मिल जाएगा एक तो ROH और एक R डैश OH। एट इज विनाइल ईथर, विनाइल ईथर का हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं तो क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CHOR, ये विनाइल ईथर है, मतलब एक विनाइल ग्रुप होना चाहिए ईथर पर, तो विनाइल ईथर में हमेशा यही वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे इधर एच और इधर ओ एच, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें ऐसा कुछ मिलने वाला है ओ एच प्लस आर ओ एच। अब देखो ये ऊपर वाला फॉर्म इनॉल फॉर्म है तो इसका क्या होगा टोटोमेरिज्म होगा, ये एक्चुअल में ये क्या है इनॉल है, तो टोटोमराइज करके कीटो फॉर्म दे देगा, इसका कीटो फॉर्म होगा ये एल डी है, तो हमें एक्चुअल में क्या मिला एक तो एल्डिहाइड मिला और एक एल्कोहल मिला। क्लियर इतना, बोलो नाइन्थ इज फिनाइल ईथर, फिनाइल ईथर का हाइड्रोलिसिस हमें करना है, फिनाइल ईथर के हाइड्रोलिसिस में एक ग्रुप फिनाइल होना चाहिए ईथर का, ईथर का एक ग्रुप फिनाइल है और एक ग्रुप खुद आर है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे हमेशा इधर ओ एच आएगा इधर एच आएगा, तो अगेन हमें क्या मिल गया है एक तो फिनॉल मिल गया है और एक अल्कोहल मिल गया है,
ऐसे ही हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका इमीन का। और सर ऊपर वाले में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? इनोल की कीटोन ना? नहीं, एक एल्डिहाइड है, एक अल्कोहल है, तो ये दोनों जिस पे सर्कल किए हैं दोनों ही हमारे प्रोडक्ट हैं। में से मेजर कौन सा होगा? यही होगा ना मेजर, इन दोनों में ना, तो यही तो, एक तो ये प्रोडक्ट मिलेगा और एक ये प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा हाँ। इमीन क्या होता है? इमीन इज दिस, ये होता है हमारा इमीन। इसमें तुमने वाटर डाला तो क्या हुआ? वाटर डालने पर ये बॉन्ड मान लो ब्रेक हुआ तो इधर OH आएगा, इधर H आएगा, तो हमारे को क्या मिल रहा? RCHOH सिंगल बॉन्ड NH2। अब इसमें तुमने वापस से वाटर डाला तो अगेन यह ब्रेक हो जाएगा, ये OH और इधर H। अब अगेन एक कार्बन पर दो OH आ गए हैं तो वो RC डबल बॉन्ड H में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस NH2। ठीक है, इलेवेंथ है हमारे पास इपॉक्साइड। इपॉक्साइड क्या होता है? इपॉक्साइड का नाम सुना है? इपॉक्साइड साइक्लिक ईथर ना, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सिंपली ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, एच इधर ओ एच इधर। ठीक है, तो रिंग ब्रेक हो गया है तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इधर ओ एच और इधर भी। ठीक है, एंड द लास्ट 12th वन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल एंड हेमी एसिटल। इनके स्ट्रक्चर मैंने सुनाए हैं, कभी दिखाए हैं तुम्हें? ORM1 में बताए थे एसिटल और हेमी एसिटल। अब पक्का मुझे भरोसा है तुम पे, तुम भूल गए होंगे, वापस से बता देता हूँ। तो ये याद ही नहीं रहते, तो मैंने तो तुम्हें बोला ही है 40-50 बार ऑर्गेनिक पढ़नी पड़ेगी तब याद रहेगा। और ये एसिटल है, मतलब ज्यादा क्वेश्चन में आता है ना, मतलब तो बार बार दिखता है ना तो याद रहता है। क्वेश्चन में भी तभी याद रहेगी जब तक, जब डेली डेली क्वेश्चन करते ही रहोगे तब, अदरवाइज नहीं रहने वाली यार। अब देखो एसिटल हेमी एसिटल में हमेशा ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, तो इधर OH आएगा और इधर H आएगा, इधर OH आएगा इधर H आएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, OH आएगा इधर H आएगा, मतलब जो ईथर वाला लिंकेज है ना वो ब्रेक करना है हमेशा, ईथर वाला लिंकेज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो क्या होगा, दो कार्बन पर OH आ रहे हैं, सॉरी एक कार्बन पर दो OH आ रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऐसा ही होगा, प्लस आर डैश ओ एच। बोलो, इसमें भी सेम ऐसा ही है, कार्बन पर दो ओ एच आ रहे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा और एक आर डैश ओ एच होगा और एक आर डबल डैश ओ एच होगा। क्लियर? बोलो। तो यार देखो हाइड्रोलिसिस देख लो एक बार, हमने हाइड्रोलिसिस की पहले डेफिनेशन पढ़ी, हाइड्रोलिसिस होता क्या है? फिर हाइड्रोलिसिस पड़े अलग अलग कंपाउंड, एस्टर का हाइड्रोलिसिस पड़ा, एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस पड़ा, अमाइड का हाइड्रोलिसिस पड़ा, एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस पड़ा, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस पड़ा, आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस पड़ा, ईथर का हाइड्रोलिसिस पड़ा, विनाइलिक ईथर का हाइड्रोलिसिस पड़ा, फिनॉल फिनाइलिक ईथर का हाइड्रोलिसिस पड़ा, इमीन का हाइड्रोलिसिस पड़ा और इपॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस पड़ा, एसिटल हेमी एसिटल का हाइड्रोलिसिस पड़ा। इतना क्लियर है? तो हाइड्रोलिसिस जितना पार्ट हमने पढ़ लिया, सबसे छोटा पार्ट हमारा हाइड्रोलिसिस ही था, इसलिए वो मैंने सबसे पहले पढ़ा है। ठीक है, अब है हमारे पास क्या? हाँ बोलो। हाइड्रेशन हो रहा है कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? देखो जनरली हमारा जितना भी ऑर्गेनिक के अंदर है ना, ऑर्गेनिक में कभी हाइड्रेशन नहीं है, ऑर्गेनिक में ज्यादातर हाइड्रोलिसिस ही है। ठीक है, तो कभी भी H2O के साथ H+ दिया हो तो हमें हाइड्रोलिसिस ही करवाना है हमेशा। ऐसे कोई कंडीशन नहीं है क्या दोनों की अलग अलग रिएक्शन की कंडीशन? नहीं, कोई कंडीशन नहीं। नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन। ठीक है,
नेक्स्ट ईयर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, रिडक्शन। पर अच्छा नहीं लग रहा यार, ये वापस लिख के रिडक्शन में देखो एक टेबल बनाई हुई मैंने, वो टेबल तुम्हें याद रखनी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो टेबल ही है। ये टेबल याद रखनी है, टेबल में है क्या क्या ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, टेबल जो हमारी है वो वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। टेबल में है क्या क्या, सबसे पहले तो ये समझ लो है ना, टेबल में है क्या क्या। इधर तो है एफ जी, इधर है रिडक्टिव प्रोडक्ट, इधर है एच टू निकल, एच टू पी डी, एच टू पी डी, इधर है एल आई एल एच फोर, इधर है एन ए सी टू एच फाइव ओ एच, इधर है एन ए बी एच फोर एच टू ओ प्लस ई टी ओ एच, ठीक है, ये सब है यहाँ पर। अब इनके मतलब क्या क्या है, एफ जी मतलब जिनका हम रिडक्शन करवा रहे हैं वो लिखा है इधर, तो इधर एफ जी का मतलब है जिनका हम रिडक्शन करवा रहे हैं वो लिखा है, ठीक है, मतलब अगर इधर हम लोग एल्केन का रिडक्शन करवा रहे तो वो लिखा है, एल्काइन का करवा रहे तो उसको लिखा है, एल्डिहाइड का करवा रहे उसको लिखा है, कीटोन का करवा रहे इसको लिखा है, एनहाइड्राइड का करवा रहे इसको लिखा, एस्टर का करवा रहे इसको लिखा, एसिड का करवा रहे इसको लिखा, साइनाइड का करवा रहे इसको लिखा, आरएक्स का करवा रहे इसको लिखा, अमाइड का करवा रहे इसको लिखा, आरएनओ2 करवा रहे इसको लिखा, एसिड हैलाइड का करवा रहे इसको लिखा, कि किन किन का रिडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं उन सबको हमने लिख दिया है, ठीक है। और रिडक्टिव प्रोडक्ट का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाने के बाद जो बनेगा वो नहीं, रिडक्टिव प्रोडक्ट का मतलब है कि इनका रिडक्शन होने के बाद ये क्या बनाएंगे, है ना, कि जैसे मान लो अगर इसका रिडक्शन हो गया तो ये बनाएगा, इसका रिडक्शन हो गया तो ये बनाएगा, इसका रिडक्शन हो गया तो ये बनाएगा, इसका रिडक्शन हो गया तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसका रिडक्शन हो गया तो ये प्रोडक्ट, 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 इसका रिडक्शन हो गया तो ये, इसका हो गया तो ये, इसका हो गया तो ये, इसका हो गया तो ये, सबके रिडक्शन वाले प्रोडक्ट हमने लिखे हुए हैं, कि एल्किन का रिडक्शन हो गया तो एल्केन, एल्काइन का रिडक्शन हो गया तो भी एल्केन, एल्डिहाइड का रिडक्शन हो गया तो एल्कोहल 1 डिग्री का, कीटोन का रिडक्शन हो गया तो 2 डिग्री का एल्कोहल, एनहाइड्राइड का रिडक्शन हो गया तो 2 एल्कोहल, एस्टर का रिडक्शन हो गया तो भी 2 टाइप के एल्कोहल, एसिड का रिडक्शन हो गया तो भी एल्कोहल, आर सी एन का रिडक्शन हो गया तो अमीन, आर एक्स का रिडक्शन हो गया तो एल्केन, आर सी ओ एन एच टू का रिडक्शन हो गया तो अमीन, आर एन ओ टू का हो गया तो अमीन, और आर सी ओ सी एल का हो गया तो एल्कोहल। तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, आफ्टर देखो, आफ्टर रिडक्शन देखो, या तो सिर्फ एल्केन बन रहा है, आफ्टर रिडक्शन देखो या तो सिर्फ एल्केन बन रहा है इन तीन केस में, या फिर एल्कोहल बन रहा है इन केसों में, ठीक है, इसमें भी एल्कोहल, या फिर अमीन बन रहा है इन तीन केस में। तो टोटल कितने टाइप के प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं आफ्टर रिडक्शन, तीन टाइप की, या तो एल्केन या एल्कोहल या अमीन। अब किसमें क्या बनेगा वो तुम्हें पता लगाना है या याद रखना है। अब थर्ड टेबल, इसमें मैंने ऊपर लिखा हुआ है H2 निकल और H2PD और H2PT, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है कि नहीं, रिडक्शन होता है। हाँ, इसका मतलब ये है कि H2 निकल या H2PD या H2PT, मतलब एक्चुअल में ये होता है कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन। तो क्या इन फंक्शनल ग्रुप का, देखो ऊपर लिखा हुआ है FG, ये जो FG लिखा है ना यहाँ पे देखो, ये FG, FG का मतलब है फंक्शनल ग्रुप। तो क्या इन फंक्शनल ग्रुप का ये रिएजेंट रिडक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो देखो H2PD ऑलमोस्ट सभी का रिडक्शन कर देता है, बस इन तीन में मैंने डेल्टा एच के ऊपर एरो लगाया है, मतलब इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर हाई चाहिए, हाँ टेम्परेचर हाई चाहिए, बाकी H2PD H2PT या फिर H2 निकल ऐसे हैं जो सबका रिडक्शन कर देंगे, ठीक है, ये टेबल में रटी होनी चाहिए। लास्ट में एक और लिखा है ऊपर LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस किस का रिडक्शन कर देगा, किसका नहीं करेगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसका रिडक्शन नहीं कर पा रहा,
एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन वो नहीं कर पा रहा, बाकी तो वो सबका रिडक्शन ही कर देता है, ठीक है, बाकी तो वो सबका रिडक्शन ही कर देता है, उसके अलावा वो रिडक्शन नहीं कर पा रहा है ना। तो ये याद रखना है हमको कि कौन किसका रिडक्शन कर पा रहा है, कौन किसका रिडक्शन नहीं कर पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम के साथ ETOH, मतलब सोडियम स्लैश इथेनॉल, C2H5OH लिखा है ना, सोडियम स्लैश इथेनॉल। तो अब इसमें भी याद रखना है कि सोडियम स्लैश इथेनॉल ना ही एल्कीन का कर पाता है, ना ही एल्काइन का कर पाता है, ना ही एसिड का कर पाता है, ना ही RX का कर पाता है, ना ही अमाइड का कर पाता है, और ना ही R अनुपु का कर पाता है। अब ये इनके रिडक्शन क्यों नहीं कर पाता, इनका कोई सेंस नहीं है, ना ही कोई लॉजिक है, बस हमें डायरेक्ट याद रखना है इस बात को कि कौन किसका रिडक्शन कर पा रहा है, कौन किसका रिडक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कौन किसका रिडक्शन कर पा रहा है, कौन किसका रिडक्शन नहीं कर पा रहा। लास्ट है इसी में हमारे पास NaBH4 के साथ वाटर प्लस ETOH, NaBH4 के साथ वाटर प्लस ETOH, एल्कीन का नहीं कर सकता, एल्काइन का नहीं कर सकता, ठीक है, और इसके अलावा एनहाइड्राइड का रिडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, इसके अलावा एस्टर का रिडक्शन नहीं कर सकता, एसिड का रिडक्शन नहीं कर सकता, साइनाइड का रिडक्शन नहीं कर सकता, अमाइड का रिडक्शन नहीं कर सकता, RNO2 का रिडक्शन नहीं कर सकता। तो कौन कौन किसका रिडक्शन नहीं कर सकता ये भी हमें याद होना चाहिए। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे, इसमें पूरा का पूरा रट्टा बेस है, रट्टा होना चाहिए हमें कि कौन किसका रिडक्शन कर रहा है, कौन किसका रिडक्शन नहीं कर रहा। क्लियर? क्लियर, ठीक है। हाँ एक सेकेंड रुको, एक्चुअली हमारी क्लास कल भी है ना? हाँ सर, ठीक है। तो कल वाली क्लास में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली क्या कर लेंगे, बताओ।